क्या कोरोना की जंग में बीसीजी का टीका बनेगा ब्रह्मास्त्र? आखिर क्यों कोरोना का काल बन रहा बीसीजी का टीका? अमेरिका भारत से क्यों मांग रहा बीसीजी वैक्सीन? दुनिया भर में कोरोना ने तबाही का मंजर बना दिया है। लगभग सभी देशों में कोरोना का कहर लोगों को काल के गाल में समाता चला जा रहा है। इस वक्त दुनिया में भारत की मानवीय पहल की जमकर प्रशंसा हो रही है। अमेरिका, ब्राजील और इजराइल से लेकर जापान तक सब भारत के मुरीद हो रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि जो दवा मलेरिया और अर्थराइटिस के काम आती थी, लेकिन अब वह कोरोना के इलाज में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है। नाम है हाइड्रोक्लोरोक्वीन, लेकिन चीन ने जो बीमारी दुनिया को दी है उसकी काट हाइड्रोक्लोरोक्वीन के साथ ही एक और वैक्सीन है जो कोरोना की जंग में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि इस मामले में भी भारत का कोई मुकाबला नहीं है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका इलाज ढूंढने में दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हजारों लोग काल के गाल में समा रहे हैं। भले ही विज्ञान ने और टेक्नोलॉजी ने ऊंची उड़ान क्यों ना भर ली हो, लेकिन कोरोना का वैक्सीन है कि दुनिया के सामने ही नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, वह तमाम उपाय आजमा रहे हैं जिनसे इस महामारी को रोका जा सके। लिहाजा वैज्ञानिकों ने इसको देखते हुए 100 साल पहले का रुख किया है, क्योंकि ठीक 100 साल पहले एक महामारी से लड़ाई में बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट ग्लोरी नाम का टीका बनाया गया था, जो अब एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। कोरोना की जंग में बच्चों को लगने वाला बीसीजी का टीका कई देशों में गेम चेंजर साबित हो रहा है। इस टीके का उपयोग करने वाले देशों में कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मौतों के मामले में अन्य के मुकाबले 6% तक की कमी देखी गई है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अगर इस टीके का उपयोग किया गया होता तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती, जिससे कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम हो सकता था। कोरोना से मौत का आंकड़ा उन देशों में ज्यादा है जहां लोगों को बीसीजी का टीका नहीं लगा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक उन देशों में जिन लोगों को यह टीका लगा हुआ है वहां कोरोना के कारण बाकी देशों के मुकाबले मौतें कम हुई हैं। इस सूची में भारत भी शामिल है। यहां आज भी बड़े पैमाने पर नवजात शिशुओं को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इस वैक्सीन का आविष्कार 100 साल पहले किया गया था। यह वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी पावर को डेवलप करती है। कई रिसर्च में इस बात की पुष्टि भी हुई है, बीसीजी का टीका लगवाने के बाद लोगों के इम्यून सिस्टम में सुधार देखा गया है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने खुद को ऐसे संक्रमण से बचाया भी है। बीसीजी ट्यूबुलर क्लोथिस टीबी का इलाज करता है। टीबी बैक्टीरिया से जुड़ी बीमारी है, जबकि कोविड-19 वायरस से कहा जाता रहा है कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है वह कोरोना के संक्रमण से बाहर आ सकता है। अमेरिका और इटली जैसे संपन्न देशों में बीसीजी के इस्तेमाल की कोई तकनीक ही नहीं है और इसका ज्यादातर इस्तेमाल विकासशील देशों में होता आया है। इटली, स्पेन और अमेरिका में बीसीजी का टीका नहीं लगाया जाता, इसलिए इन तीनों देशों में कोरोना का संक्रमण सबसे अधिक है और मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। कई शोधों में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि बीसीजी का टीका लगने के बाद लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और यह संक्रामक रोगों से बचाने में कारगर साबित हुआ है। बीसीजी की पॉलिसी सबसे पहले ब्राजील ने अपने यहाँ पर शुरू की थी। वहीं भारत में भी 1962 से राष्ट्रीय टीबी प्रोग्राम के बाद जन्म के तुरंत बाद नवजातों को बीसीजी का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि बहुसंख्यक आबादी को यह टीका 1962 से लेकर अब तक लग चुका है। अमेरिकियों के बीच किए गए एक टेस्ट के मुताबिक बीसीजी टीका के 60 साल के बाद तक अधिकतर लोगों में टीबी का बैक्टीरिया असर नहीं दिखा पाता है। यह दूसरे संक्रामक लोगों के लिए काफी मानव शरीर में काम करता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को भी मजबूत बनाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि बीसीजी के टीके के कारण टीबी के अलावा भी सांस की कई बीमारियों से निजात मिलती है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस बीसीजी वैक्सीन से रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी, जिसके कारण वे छोटे मोटे संक्रमण से संक्रमित नहीं होंगे और अब कोरोना के संक्रमण को भी कम करने में यह टीका ब्रह्मास्त्र बनता जा रहा है।